कालिंपोंग के मेला ग्राउंड में आयोजित जलसा में भगदड़ के चलते दो महिलाओं की मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार कल शाम स्थानीय क्लब द्वारा कालिंपोंग के मेला ग्राउंड में एक जलसा का आयोजन किया गया था। इस जलसे में मुख्य कलाकार के तौर पर नेपाल के एक बैंड को बुलाया गया था। वहीं इस जलसे में शामिल होने के लिए मैदान के मुख्य द्वार के सामने लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इस बीच जैसे ही गेट खुली भीतर प्रवेश करने के दौरान अचानक भगदड़ मच गई जिसके चलते कई लोग इसकी चपेट में आ गए। इस घटना में दो महिलाओं की जान चली गई। वहीं बाद में घायलों को कालिंपोंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया जिसमें से दो को सिलीगुड़ी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल कालिंपोंग पुलिस घटना की जाँच कर रही है। दो लोगों का यहाँ हॉस्पिटल में डेथ हुआ है तो डेथ का काउंट अभी भी दो ही है एंड बाकी 3 जन अभी ट्रीटमेंट में है, सिलीगुड़ी में है। वो लोग ठीक ही है, अभी तक कुछ ऐसा कोई ख़राब कंडीशन में नहीं है, ठीक ही है वो लोग जो हॉस्पिटल में हम लोगों को खबर मिला। मतलब यहाँ एक्चुअली क्या हुआ था कि एक साथ बहुत लोग आए थे आगे, तो फिर वो लोग अंदर आने के लिए थोड़ा सा जल्दीबाजी में कुछ लोग गिर गए थे, यही घटना हुआ था। ये स्टेयर्स के वजह से जब आए थे अंदर तब वो लोग कुछ गिर गए थे, गिरने की वजह से इंजर्ड हो गए थे। ऑर्गेनाइजर के ऊपर कोई केसेस? हाँ, केस किया।